हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7N की प्रॉब्लम नंबर 2 तक का सलूशन किया था। आज हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने आंसर विन की पूरी सीरीज देख ली होगी और आंसर विन की प्रैक्टिस भी कर ली होगी खूब अच्छे से। अगर नहीं की है तो आंसर विन की सीरीज जरूर देखें, बस दो ही क्लासेस हैं उसमें, और अच्छे से उनको देखिए, प्रैक्टिस करिए, तभी ये एक्सरसाइज आपको आसानी से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7N प्रॉब्लम नंबर 3। पार्ट ए, लेट r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x dx अपॉन 1 माइनस sin x माइनस sin x। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर। तो एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हमें दिखती है कि साइन को अगर हम पुट करेंगे तो कॉस मिल जाएगा। तो पुट कर लेते हैं साइन एक्स इज इक्वल टी कॉस एक्स टी एक्स इज इक्वल टी, यहाँ आ गया डी टी अपॉन 1 माइनस टी और 2 माइनस। अब ये हमारा सीधा सीधा लीनियर फैक्टर आ गए हमारे, इसको डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। वन अपॉन मैंने क्या बताया था, सबसे छोटा जो है उसको पहले लिखेंगे, तो वन माइनस टी माइनस वन अपॉन टू माइनस टी, इसको इधर लाइए, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, टू माइनस टी माइनस वन प्लस टी, देखिए कैंसिल हो जाएगा, वन बचेगा तो सीधा सीधा है यहाँ पर। इसका क्या आ जाएगा, लॉग वन माइनस टी, और टी निगेटिव है तो अपॉन में माइनस वन, माइनस लॉग टू माइनस टी अपॉन माइनस वन प्लस टी, कितना हो गया माइनस लॉग वन माइनस टी प्लस लॉग टू माइनस टी प्लस टी। इसको हम लॉग टू माइनस टी अपॉन वन माइनस टी प्लस टी लिख सकते हैं। टी की वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए, लॉग टू माइनस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स प्लस टी, और ये आपका आंसर हो गया। तीसरे का बी पार्ट, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टेन एक्स प्लस वन टेन एक्स प्लस टू। बहुत ही इजी है, आप समझ भी गए होंगे क्या करना है, टेन को पुट करना है, पुट टेन एक्स इज इक्वल टू टी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यहाँ पर आ जाएगा डी टी अपॉन टी प्लस वन और टी प्लस टू। बहुत ही सिंपल, ठीक उसी तरीके से वन अपॉन टी प्लस वन माइनस वन अपॉन टी प्लस टू, डी टी इधर आएगा इधर जाएगा, बनी बचना है, ठीक है, लॉग टी प्लस वन माइनस लॉग टी प्लस टू प्लस टी, इसको हम लॉग टी प्लस वन अपॉन टी प्लस टू प्लस सी, टी की वैल्यू रख दीजिए, लॉग टेन एक्स प्लस वन अपॉन टेन एक्स प्लस टू प्लस सी, ये आपका सोल्यूशन हो गया। थर्ड का सी पार्ट, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस। देखिए भाई क्या किया जा सकता है यहाँ पर, फैक्टर तो हो रहे हैं इसके, इंटीग्रेशन टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन टू एक्स प्लस
यहाँ पर ट्रिक तो अप्लाई हो नहीं पाएगी भाई, है ना। तो हमें आंशिक भिन्न लगानी पड़ेगी। चलिए करते हैं, एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन पहले लिख देते हैं, एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस, तीनों लीनियर है। ए अपॉन एक्स माइनस वन, बी अपॉन एक्स प्लस वन, सी अपॉन टू एक्स प्लस। ठीक उसी तरीके से टू एक्स माइनस थ्री, पहले इसको ए के साथ में आ जाएगा एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस थ्री, बी के साथ में ए कैंसिल हो जाएगा तो एक्स माइनस वन टू एक्स प्लस थ्री, सी सी के साथ में ए कैंसिल हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अब क्या करना है, इसको इक्वेशन में डालने ऊपर, पहले एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो एक्स बराबर ए इसमें रखते हैं, तो टू माइनस थ्री इक्वल टू ए, वन प्लस वन टू प्लस थ्री। अब आगे वाले देखिए दोनों जीरो हो रहे हैं, तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मैं खाली करके लिखा दे रहा हूँ। देखिए वन माइनस वन टू प्लस थ्री प्लस सी, वन माइनस वन वन प्लस वन। आप अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू टू इंटू फाइव, देन ए इज इक्वल टू माइनस वन बाई टेन, ए की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, तो बी के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो तो एक्स बराबर माइनस वन, फिर इस इक्वेशन में रख देते हैं यहाँ पर, माइनस टू माइनस थ्री इज इक्वल टू ए माइनस वन प्लस वन, और ये माइनस टू प्लस थ्री प्लस बी माइनस वन माइनस वन माइनस टू प्लस थ्री प्लस सी माइनस वन माइनस वन, माइनस वन प्लस वन ये कैंसिल हो गया, ये वाला भी कैंसिल हो गया, माइनस फाइव इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, बी इंटू माइनस टू इंटू वन, वन से वन कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बी इज इक्वल टू फाइव बाई। अब ए और बी दोनों मान मिल चुके हैं हमें, एक रह गया हमारा सी। चलिए इसको इधर निकाल लेते हुए, सी के लिए क्या करना होगा, एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो तो एक्स बराबर माइनस थ्री बाई टू, ये वैल्यू फिर इसमें रखेंगे, टू इंटू माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री इक्वल टू ए माइनस थ्री बाई टू प्लस वन इंटू टू इंटू माइनस थ्री बाई टू प्लस थ्री, प्लस बी इंटू माइनस थ्री बाई टू माइनस वन इंटू टू इंटू माइनस थ्री बाई टू प्लस थ्री, प्लस सी इंटू माइनस थ्री बाई टू माइनस वन माइनस थ्री बाई टू प्लस वन। तो अब आप देखिए क्या आएगा, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा और थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी यही सिचुएशन हो गई थी, ये तो जीरो हो गया, ये कितना बचा माइनस सिक्स इज इक्वल टू, ये तो दोनों जीरो हो गए। सी के साथ में क्या आ गया, तो माइनस फाइव बाई टू और इंटू में माइनस वन बाय, ये माइनस माइनस प्लस हुआ टू टू जा फोर और सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, तो ये सी की वैल्यू आ गई। तो देखिए भाई इसको इरेज कर दें, यहाँ पर हम वैल्यू रखें तो क्या करेंगे, वाई इक्वेशन वन टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और टू एक्स प्लस थ्री
इक्वल टू ए हमारा कितना था -1/10 अपॉन एक्स -1, बी है हमारा 5/2, 5/2 अपॉन एक्स +1, इधर भी हटा देते हैं और सी की वैल्यू क्या है हमारी -24/5, सी की वैल्यू लग देते हैं -24/5 अपॉन एफ प्लस थ्री। सारा कुछ लिख गया, इस सबको हम हटा देते हैं। क्या बचा -1/10 एक्स -1 प्लस 5/2 एक्स +1 -24/5 एक्स प्लस। नाउ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू -1/10 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स -1 प्लस 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स +1 -24/5 डी एक्स अपॉन एक्स +1। सिंपल इंटीग्रेशन रह गया -1/10 लॉग एक्स -1 प्लस 5/2 लॉग एक्स +1 -24/5 लॉग 2x +3 अपॉन 2 प्लस। इस 2 से कैंसिल हुआ, 12 बचा यहाँ पर। तो फाइनली आंसर हमारा क्या हो गया, -1/10 लॉग एक्स -1 5/2 लॉग एक्स +1 -12/5 लॉग 2x +3 प्लस सी। ये हमारा आंसर। देखते हैं 3 का डी पार्ट। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर +1 एक्स स्क्वायर +4। तो देखो भाई बच्चा लोग यहाँ पर क्या होगा, आंशिक भिन्न अगर लगाएंगे तो वही हमारा ए एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्मेट में टूटेगा, बहुत लंबा होगा। यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जब ये दोनों एक जैसे दिए गए हों तो थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है वो हमारा एक लीनियर टर्म ही है, क्योंकि दोनों जगह एक जैसा है, है? तो इसको हम अपनी उसी ट्रिक से तोड़ सकते हैं। लेकिन कैसे, 1/x² + 1 - 1/x² 2 + 4। इसको इधर भेज दिया यानी कि x² + 4 और इसको इधर भेज दिया तो -x² - 1 कितना बच रहा, 3। यहाँ पर 1/3 और हमारा काम बन चुका है। अब इसको हम 1 + x² लिख लें और इसको dx/2² + x² लिख लें। सीधा फॉर्मूला हमें लिख रहा है टेन इनवर्स 1/3 टेन इनवर्स एक्स -1/3 1/2 टेन इनवर्स x/2 प्लस सी। और ये लीजिए आंसर आ चुका है। जब तक आंशिक भिन्न सोचेंगे तब तक हम लोग आंसर पर पहुंच गए। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x³ + 3 अपॉन x³ - 3। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि आंशिक भिन्न तब तक अप्लाई नहीं हो सकती जब तक कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की पावर एक जैसी है। यहाँ पर भी 3 घात है और यहाँ पर भी 3 घात है, तो आंशिक भिन्न तो लगनी चाहिए। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, न्यूमरेटर की पावर को कम करना। तो एक तो मेथड ये है कि आप डायरेक्ट डिवाइड करिए जैसे डिवाइड करते आए हैं अभी तक। हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, लास्ट का स्टैंडर्ड तरीका लगा -3x लिख लिया +3x + 3 ऐसे लिख लिया इसको x³ - 3x dx इसको इसके अपॉन में लाए
हैं भैया क्या आएगा, इंटीजर कैंसिल हो जाएगा, 1 + 3x + 3 / यहाँ से एक्स कॉमन कर लें, x² - 3 dx, इसको हम इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन 3x + 3 / इसके फैक्टर हो रहे हैं x, x+√3 और x-√3, ठीक है ना। अब इसमें हमें आंशिक भिन्न लगानी पड़ेगी, तो चलिए भाई इसको लिख देते हैं, 3x + 3 / x, x+√3 x-√3 = a/x +b/x+√3 + c/x-√3। इक्वेशन 1 बना लें, 3x + 3 = ax + 3√3, x-√3 + bx x-√3 + cx x+√3। तो आप तो अब समझ ही गए होंगे कैसे करना है। अब एक एक करके सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले a के लिए, तो x = 0 रख देंगे, तो 0 + 3 a 0 + √3, 0 - √3 +b × 0 + c × 0 = 0 हो जाएंगे। 3 = -√3 × √3 यानी 3, तो -3a, then a = -. अब a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, चलिए भाई b के लिए क्या करना होगा, x+√3 = 0, तो x - √3 यहाँ रखते हैं, तो -3√3 + 3 = a, -√3 + √3 -√3 -√3 +b × -√3 - √3 - √3 c × -√3 - √3 + √3, ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर कैंसिल हुआ, तो -3√3 + 3 = b × -√3 × -2√3, ये सब हो जाएगा ना। यहां से हम -3 कॉमन कर लें, √3 - 1, और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 6b = -√3 - 1 की वैल्यू आ गई। देखिए c की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं ना, c के लिए x-√3 = 0, x = √3 इसमें रख लेते हैं, 3√3 + 3 = a√3 + √3 √3 - √3 + b√3 √3 - √3 + c√3 √3 + ये दोनों मिले 0 हो गए, c कॉमन √3 + 1। इसी तरीके से ये देखिए 2√3 हो जाएगा, (√3) तो 6 बचेगा, तो c × 6 c बराबर हो गया √3 + 1/4। तो देखिए c की भी वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर, ये अभी c तीनों मिल चुके हैं बाय इक्वेशन 1। समीकरण 1 हमारा क्या था, तो y इक्वेशन 1 तो कितना था यहाँ पर, 3x + 3 / x, x+√3 x-√3 = a, -1/x + b की वैल्यू -√3 - 1/2 / x+√3
और सी हमारा आया है रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू अपॉन एक्स माइनस टू। तो इसको थोड़ा सा फायदे से लिखें, वन अपॉन एक्स माइनस रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन एक्स प्लस रूट थ्री प्लस रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन एक्स माइनस। सारी वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास में। अब हम इन सबको जो है अपने इंटीग्रल पार्ट में लिखेंगे। नाउ आई इज इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस रूट थ्री प्लस रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस। एक तो सिंपल इंटीग्रेशन रही है एक्स माइनस लॉग एक्स माइनस रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू लॉग एक्स प्लस रूट थ्री प्लस रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू लॉग एक्स माइनस रूट थ्री प्लस, यही हमारा आंसर। क्वेश्चन फोर्थ का बी, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डीएक्स। अब देखिए यही समस्या फिर यहाँ पर हमारे सामने आ गई है, तो क्या किया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसको थोड़ा दूर घटा करके अगर इसे करेंगे थोड़ा लंबा हो रहा है ना, तो ऐसे सिचुएशन में हम डिवाइड कर लेते हैं तो ज्यादा इजी पड़ेगा। तो चलिए इसको डिवाइड ही कर लेते हैं सीधे सीधे, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, एक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस प्लस सी कैंसिल हुआ 2x प्लस वन, ठीक है हो गया सॉल्व। क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, x प्लस 2x प्लस वन अपॉन x स्क्वायर माइनस वन। इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस वन अपॉन x स्क्वायर माइनस। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक अप्लाई कर लें, एक कौन सी भिन्न लगानी पड़ेगी, तो इसको हम एक्स प्लस टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन डी एक्स ऐसे लिख देते हैं। एक्स डी एक्स प्लस टू कॉमन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन और एक्स। अब ये इसी तरह कैंसिल हुआ हमारा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस टू बाहर आ गया डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन माइनस इंटीग्रेशन, इसको हम अपनी उसी स्टाइल से क्या कर रहे हैं अलग अलग हो गया, समझ गए होंगे आप लोग। डी एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस टू लॉग एक्स माइनस वन माइनस वन बाय टू लॉग एक्स माइनस वन प्लस वन बाय टू लॉग एक्स प्लस वन, ये सब सॉल्यूशन आ गया है। ये दोनों एक जैसे हैं, टू टू जा फोर माइनस वन यानी थ्री बाय टू, तो वन अपॉन टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री बाय टू लॉग एक्स माइनस वन प्लस वन बाय टू लॉग एक्स प्लस वन प्लस थ्री, आंसर आपका। फाइव का ए, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स की पावर सिक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस। बहुत मजेदार सवाल है, बस थोड़ी सी ट्रिक अपनाइए और हो जाएगा एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस एक्स
माइनस टू पुट कर लीजिए, एक्स क्यूब इज इक्वल टू पी थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, देन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी वाई। ये हो गया आपका डी टी वाई थ्री अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस, इसके देखिए फैक्टर हो रहे हैं, वन बाय थ्री इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी प्लस टू और टी माइनस वन। क्या होगा तो वन बाय थ्री इंटीग्रेशन वन अपॉन टी माइनस वन माइनस टी प्लस टू, डी टी इधर जाएगा वन बाई थ्री यानी थ्री बज रहा है तो वन बाई थ्री और लिख लीजिए तो वन बाय नाइन, इसका क्या आ जाएगा लॉग टी माइनस वन और माइनस लॉग टी प्लस टू प्लस, इसे हम वन बाय नाइन लॉग t की जगह पर वैल्यू रख देते हैं एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस टू प्लस टी, और ये हमारा देखते हैं पांचवे का बी पार्ट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x dx अपॉन वन प्लस e की पावर x और टू प्लस e की पावर, बहुत ही सिंपल सवाल है। अब समझ भी गए होंगे क्या करना है, बस e की पावर x को पुट करिए, देखिए डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है उसने, तो e की पावर x dx बराबर dt, ये आ गया आपका dt अपॉन वन प्लस t और टू प्लस t। अब आप ट्रिक को जान ही गए हैं, वन प्लस टी माइनस टू प्लस टी इधर जाएगा ये इधर जाएगा, वन बचना है तो फिर बस कोई दिक्कत नहीं, इसको लॉग वन प्लस टी माइनस लॉग टू प्लस टी प्लस टी, ये बच्चा आ गया लॉग वन प्लस टी अपॉन टू प्लस टी प्लस सी, वैल्यू डाल दो बस आंसर हो गया आपका, है ना। स्टूडेंट्स आज कुछ सवाल बहुत ही सिंपल थे, ये दो टेक्निकल भी थे, मैंने कुछ सवालों में आपको ट्रिक लगा करके भी दिखाई है, आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सवाल बहुत लंबे हैं और हम क्लास को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते आपके लिए, तो इसको यहीं पर रोकेंगे। और आज मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 5 के दोनों पार्ट करके दिखा दिए हैं, अगली क्लास में प्रॉब्लम नंबर 6 से आगे का सॉल्व सोल्यूशन करेंगे। आपसे मैं फिर एक बात कहूंगा, आंसर विन की प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, सवालों को जरूर ट्राई करते रहिए, क्योंकि आंसर विन अगर आती होगी तो इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे होंगे पूरे सवाल में इंटीग्रेशन तो बस लास्ट में एक लाइन में होता है, सवाल तो पूरा आंशिक भिन्न लिखा ही लगाया जाता है, तो अगर पार्शियल फ्रैक्शन आपको आता है तो इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं है, और अगर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आ रहा है तो आपको दिक्कत ही दिक्कत है, तो इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन की क्लास को जरूर एक बार अच्छे से देख लें, उसके बाद ही यहाँ पर शुरू करें, प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ्स प्रैक्टिस से ही आएगी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको मैथ्स इजी लगेगी और आपको समझ। ओके, मिलते हैं अगली।